से श्री कृष्ण में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं यस बैंक और यस बैंक में जो फ्रॉड केसेस हैं उसमें क्या क्या नया टर्न आ रहा है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। आज के दिन यस बैंक का शेयर 14.6 रुपीज के ऊपर यानी 2.82% बढ़ के बंद हुआ है। दोस्तों, तो आज आपने जैसा न्यूज अगर सुना होगा तो अवंता ग्रुप के जो प्रमोटर है मिस्टर गौतम थापर, इनको सीबीआई ने बुक किया है और इनके ऊपर फ्रॉड एंड क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के केसेस लगे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, यस बैंक का घोटाला 2019 में सामने आया था और उसके बाद कैसे यस बैंक को आरबीआई ने टेक ओवर करके किस टाइप से इसको उभारा है। तो पीएमसी बैंक में भी ऐसा ही कुछ घोटाला हुआ था और उसमें भी अभी भी पीएमसी बैंक वो केसेस से बाहर नहीं आ पाया। तो आज सीबीआई ने इस घोटाले में एक नया टर्न आया है और वहाँ पे बुक किया है जो प्रमोटर है अवंता ग्रुप के मिस्टर गौतम थापर को। तो इस पूरा इसके ऊपर चर्चा करेंगे दोस्तों, तो वीडियो को एंड तक देखिए। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में लिंक दिया गया है, वहां जाके आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। दोस्तों, तो सबसे पहले समझते हैं अवंता ग्रुप क्या है। तो दोस्तों, अवंता ग्रुप एक बहुत बड़ा ग्रुप है और उसका ग्रुप में काफ़ी सारी कंपनीज आती हैं, इंडस्ट्रीज जैसे आप देख रहे हैं पल्प पेपर पावर टी एंड इक्विपमेंट सर्विसेज सिनर्जी फूड प्रोसेसिंग फार्म फॉरेस्ट्री केमिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग मटेरियल आईटी एंड आईटी एनेबल्ड सर्विसेज ये सब उनके इसमें है। और 90 प्लस कंट्रीज में इनका प्रेजेंस है, 25,000 प्लस एम्प्लॉयज हैं और इनके ग्रुप कंपनीज जिसका काफ़ी बड़े नाम है आप देख सकते हैं, क्रॉम्पटन ग्रीव्स हो गया, क्रॉम्पटन ग्रीव्स इसी ग्रुप की कंपनी है दोस्तों जो लार्जेस्ट इक्विपमेंट सप्लायर है। दूसरी बल्लारपुर इंडस्ट्रीज, ये भी लार्जेस्ट पेपर मैन्युफैक्चरर है, तो ये भी इसी ग्रुप की कंपनी है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो क्रोनोलॉजी जो है, यहाँ पे अवंता ग्रुप का जैसा घोटाला सामने आया है तो उसमें सबसे पहले बात जैसा आप नॉर्मल भाषा में बोलेंगे तो श्याम ने पैसा लिया, राम को दिया और राम को उधार चुकाने के लिए, और राम ने लिया लक्ष्मण को दिया, फिर लक्ष्मण ने किसी और को दिया। तो इस टाइप का यहाँ पे एक फ्रॉड केस है और उसको घुमा फिरा के नॉर्मल आदमी इसको चोर, नॉर्मल आदमी को चोर कहा जा सकता था, बट यहाँ पे जो बड़े बड़े कंपनीज क्रिमिनल केसेस करते हैं और उनके ऊपर किसी टाइप का कोई कमर कसने वाला नहीं होता है दोस्तों। तो ये है, आप न्यूज आपके सामने है। तो इन्होंने लगभग आज इनके ऊपर सीबीआई ने एफआईआर किया है और 466 करोड़ का फ्रॉड इनका सामने आया है जो उन्होंने अपनी जो सब्सिडी है वोस्टर बुल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड यानी ओबीपीएल, इस सब्सिडी को एक क्रेडिट लिया था इस बैंक को और उस क्रेडिट को उन्होंने अलग अलग कंपनीज उनका जेपीएल और जेपी दो अलग कंपनीज है दोस्तों उसमें ये किया था। नाम यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, क्रोनोलॉजी जाम्बू पावर लिमिटेड ये उसका ग्रुप कंपनीज है और जाम्बू पावर इन्वेस्टमेंट लिमिटेड ये दो कंपनीज में डिस्ट्रीब्यूट किया और इसका मंथली पेमेंट 7.5 करोड़ पेबल फॉर 10 ईयर्स एंड जेपीआईएल इसका मंथली पेमेंट 15 करोड़ जो सेम ग्रुप का कंपनीज है इसको करने का इन्होंने ये किया था। तो इस टाइप से यहाँ पे काफ़ी बड़ा फ्रॉड था, जो कंपनीज एग्जिस्ट नहीं करती उसको भी इन्होंने वहाँ पे घुमा फिरा के ये की थी। तो ये बात थी 15 दिसंबर 2017 की। तो जो जाम्बू पावर लिमिटेड है ये और जाम्बू इन्वेस्टमेंट लिमिटेड ये 600 मेगावाट का थर्मल पावर पॉइंट लगाने का डील किया था। डील भी उन्हीं के बीच में जो प्रमोटर है वही प्रमोटर के ग्रुप में ये डील हुआ था और इस डील में लगभग जैसा हमने बताया 10 साल का वो ईएमआई जो पेमेंट का ऑप्शन था और ये सब इस क्रोनोलॉजी में इन्होंने लगभग 515 करोड़ का ये डील किया था। तो ये एक्चुअली पैसा
कहीं गया नहीं है ना प्रोजेक्ट खड़ा हुआ, तो फॉरेंसिक ऑडिट में ये सब चीज़ें सामने आई है। और यहाँ पे ना सिक्योरिटी डिपॉजिट का ना कोई डील करने वाले सेम ग्रुप था, और एक ही दिन में डील हुई थी, इस टाइप का कॉन्सिक्योरिटी था। और जो अवंता ग्रुप का इंटरनल ऑडिट में यहाँ पे देखा गया था कि ये पैसा इडलविज और आदित्य बिरला ग्रुप के लोन निपटाने के लिए दिया गया है, तो इस टाइप से यहाँ पे ये फ्रॉड केस था दोस्तों। तो इस टाइप से बड़े बड़े ग्रुप वाले कॉर्पोरेट्स फ्रॉड करते, इसी वजह से अपने इंडियन बैंक्स फेल हो जाते हैं दोस्तों। तो ये एक बहुत चिंता का विषय है और यहाँ पे कुछ एक्शन होना जरूरी है दोस्तों। तो ये जस्ट एक आपके लिए अपडेट था कि येस बैंक का केस किस तरीके से इस सिचुएशन में पहुँचा है। उसी तरीके से जैसा राणा कपूर है और राणा कपूर की वाइफ, इनका भी जो काफ़ी सारे फ्रॉड में नाम आ रहा है। और राणा कपूर का जो वाइफ है उनका नाम बिंदु था, उनके नाम पे 650 करोड़ का लिटिन बंगलो सिर्फ 750 करोड़ में लिया था, और उनकी लगभग उनके ऊपर लगभग 2500 करोड़ के आसपास का लोन था, इस टाइप का कंडीशन था। तो ऐसे बहुत सारे फ्रॉड केसेस इस बैंक में देखने को मिले। तो ये है येस बैंक के डूबने का पीछे का रीज़न दोस्तों। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये अपडेट अच्छा लगा होगा। फिलहाल येस बैंक के शेयर में आपको अपडेट जरूरी है। तो येस बैंक शेयर एक डाउन ट्रेड में चल रहा है, डेली चार्ट आप देख रहे हैं, और यहाँ पे थोड़ा सा फ्लैट मतलब बॉटम बना के कोशिश कर रहा है ऊपर जाने की, और यहाँ से 17 रुपीज़ के ऊपर अगर ये निकलता है तो 20-21 रुपीज़ तक जा सकता है। उसके ऊपर बाद में हम अपडेट देंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।